हेलो गाइस, कैसे आप सभी? और आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका म्यूजिक शायर आ चुका हूँ नया रिएक्शन वीडियो लेकर, और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हनी पाजी मेरे फेवरेट है और उन्हीं का भी गाना है। एक दो घंटे पहले उन्होंने गाना ड्रॉप करा है, तो अब ये गाने को सुनते कि कैसा होएगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, डीट गाने का नाम है, हनी 3.0 एल्बम का गाना होने वाला है ये। जी म्यूज़िक ओरिजिनल्स ने इन्हें प्रेजेंट किया है, तो देखते कि गाना कैसा होएगा। और हाँ, म्यूज़िक होएगा इसके अंदर हनी पाजी का नहीं, जय मित का इसके अंदर म्यूजिक होएगा, और गिल रोनी और रोनी गिल का इसके अंदर वो होगा, लिरिक्स होंगे। तो देखते ही कि कैसा होएगा गाना। बाकी सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ कि क्या सब है, और बाकी मैं हसल के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप उसको जाके ज़रूर देखो और उनके भी ज़रूर मज़े लो, और अपने भी मेरे को बताओ कि आपके सजेशन मेरे लिए क्या है। और अगर आप कोई भी रिएक्शन वीडियो करवाना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है म्यूज़िक शायर, वहाँ पर जाके आप मेरे को DM कर सकते हो और मेरे को पूरी फुल डिटेल दे सकते हो वहाँ पर, और मैं फिर ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए अभी ये करते हैं, ढीठ पर आते हैं फिर से हम, और ये गाने को सुनते हैं कि कैसा होने वाला है। थोड़ी देर पहले आया तो देखते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। गैंगस्टा वाइब होने वाली है भाई लोगों, गैंगस्टा वाइब। Yeah. पक्के पे शरीर बिल्लो डंड मार मार के पा दिए तेरे ली बिल्लो चंड मार मार के आपा मिली लीड़े असी सस्ते जे पालिए बोटी वांगू रख दे मशीनरी शिंगार के नारनू ता गल गल उत्ते लारे लाए होणगे नी पर यारा नाल कर देना चीट ने मुंडे सारे टीट 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 दारू पींदे नी बहुत तगड़ा नीट उठे कमा दा सानू जस काया गोरी ना बंदे असी ठीक ठीक हनी पाजी तब सारे टीट 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 दारू पींदे नी नीट नीट कमादा सानू चस्का या दोरी ना बंदे ऐसी ठीक 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 भाई साहब साड़ी गल गल उत्ते अगराड़ी आड़ती साड़े बेड़े विच गड्डी नी फरारी खड़दी फेम फूम खा गया कदों दा चब के नी दस साड़े जिनी की दी इत्थे गुड्डी चाड़दी पैसा डाया भी बड़ा है ते कमाया भी बड़ा है ऐश यारां नू ते नारा उत्ते लाया भी बड़ा है मेरे गैप विच कई जो सरदार बन गए जट हुण वी नी उहनां नालों टॉप ते खड़ा है कारां चिल कूड़े गोड़ियां ना फन कूड़े मेरे नाल हुंदी है कपत्तियां भी डल कूड़े डैमणा वाला भी असीं पिंड बड़ा होया टाइम मैं फिर होया कैम देखी चल किवें कढ़दा मैं वहम जिदा सत सदियां च तोड़ दी हो लब्भना दुनिया च कर जूंगा ऐसा कोई स्कैम कई देसी कलाकार कई शैतान दस दे कई पहला नाल हो गया जवान दस दे मैनू रैप दा ने बिलो जादूगर आख दे नी मैं फिर बनी आउंदा कई तूफान दस ला दूं फिर यो कहण अज दे जवाक कूड़े पत्तलां दे तारू असी पूरे अतरा कूड़े बेबे दा पुत नी कुबेर दे खजाने वरगा नी मेरी अज भी करोड़ां च खरा कूड़े उत्ते दे आ कौन जो बने बैक बोन साडे कूड़े लाणियां च जमदे आ डॉन उत्तों मेरे यार नी मैं सद ले पंजाब तों नी गिल रो नी खिच्ची तुरे आउंदे आ सपीड मुंडे सारे टीट दारू पींदे नी नीट नीट उठे कमा दा सानू चस्का या गोरी ना बंदे असी ठीक 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 ने मुंडे सारे टीट 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 दारू पींदे नीट 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 उठे कमा दा सानू चस्का या गोरी ना बंदे असी ठीक लो मे मित्रो स्रोतियां दी भारी मंग ते गिल रोनी मुड़ के लै के आ रहे ने थोड़ा अपना कहंदी भाई बादशाह बुशा तो चलो उनकी बात नहीं करते इस वीडियो में, हम अपने वीडियो को रखते हैं थोड़ा साफ सुथरा। हम बात करते हैं हनी पाजी है ना, सही में उन्होंने है ना एक बात बोली थी कि यार मैं ना पुराने वाला मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरे को सब कुछ नया करना है। भाई इससे अलग और क्या लोगे, हनी पाजी से क्या एक्सपेक्ट करोगे, इतनी बढ़िया चीज़ बना रखी भाई। क्या म्यूज़िक था, क्या
रिदम था, क्या पैटर्न था उसका, भाई मेरे को तो मज़े आ गया। अगर आपको नहीं मज़े आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हनी पाजी के जो उनसे हेटर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी ये हनी पाजी पसंद नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से जो उनसा कला स्टार गाना था वो बढ़िया नहीं था इतना जितना गाना, भाई अगर उस टाइम पर ये गाने को ड्रॉप करते, जितनी हाइप बनी हुई थी कूले कूले के बाद में ये गाना ड्रॉप करते, तो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि भाई साहब बिलबोर्ड हिला देते, चूँकि कला स्टार ने भी हिला देता। लेकिन फिर भी हनी पाजी के कई फैन नाराज हो गए थे कि बोलने लग रहे थे कि हनी पाजी का कमबैक नहीं हुआ, अगर ऐसा कमबैक होता है तो हमें कमबैक नहीं चाहिए। भाई ये गाना सुनो तुम, इस गाने से तुम्हें मजा आ जाएंगे। गिल रोनी ने क्या गाना लिखा हुआ है, गिल अलग है, रोनी अलग है, भाई दोनों ने क्या गाना लिखा हुआ है, क्या भाई साहब मजा दिला दिया। लास्ट में हनी पाजी ये लाइन बोलते कि गिल और रोनी मेरे को वापस लाने के लिए वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं जो मैं था, यो हनी सिंह। भाई पाजी हमारे लिए बहुत ग्रेट है और अब भी पाजी हमारे दिल में बसते हैं, पाजी को कोई हटा नहीं सकता है। बादशाह जैसे बोलते हैं जो भी, मेरे को यार उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को हनी पाजी से मतलब है। मैं भाई उनका बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि स्टार्ट की हमने म्यूज़िक सुनना यहीं से करा था। और अगर आप दारू पीते तो पहले ग्लास ले लेना और फिर ये इस गाने को सुनना, एक दो पैग मारने के बाद में इस गाने की वाइब बहुत ज़्यादा अलग आने वाली है। भाई मैं ऐसे ही फील करके बता सकता हूँ आपको कि कितना ज़्यादा बढ़िया होने वाला है गाना आपके लिए, आपके लूप पे चले गए वाला गाना। गाड़ियों की शीशे डाउन करके आप इस गाने को बजाने वाले हो। और जो अभी के जो उनसे नए बच्चे हैं, जो उनसे 18 से जो उनसे बड़े के हैं 18 से 23 तक के, उनके लिए गाना ज़बरदस्त होएगा, उनको ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जो कि मतलब 15 16 17 जो भी इनके एज के जो छोटे बच्चे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा उनको पता लगेगा ये हनी पाजी। ऐसा गाना मतलब किसी ने करा नहीं है भाई, मैंने तो पहली बार सुना है। अगर आपने ऐसा सुन भी रखा होगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में उस गाने का बता देना, भाई ये वाला गाना है और ये मैंने पहले ऐसा गाना सुन रखा है, तो मेरे को भी पता लगेगा यार हनी पाजी ने कहीं से कॉपी कर लिया। पर मेरे को नहीं लगता है कि हनी पाजी ने कॉपी करा होगा इस गाने को। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों, और हर हर महादेव।